हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, हमने बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर, डेसिमल से बाइनरी दोनों को हमने सीख लिया है कन्वर्जन करना। और आज हम सीखेंगे कि बाइनरी नंबर जो होता है उनको एडिशन कैसे करते हैं, उनका एडिशन कैसे करते हैं। तो देखिए, दो रूल है, ठीक है, यहाँ पे चार रूल है, एक है मैंने एक्स्ट्रा बना रखा है, लेकिन अभी मैं इसको समझाऊंगा कि होता कैसे। देखिए, जीरो में जीरो ऐड करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, जीरो। जीरो में वन ऐड करते हैं तो क्या आता है, वन। और वन में जीरो ऐड करते हैं तो क्या आता है, वन। और अगर वन वन दो जगह पे आपको ऐड करना है तो इसमें क्या होता है, वन वन बनता है टेन। तो टेन का लिखते हैं हम जीरो, और एक होता है आपका कैरी जो आगे चला जाता है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये लिखना है तो हम लिख लेंगे वन 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 जीरो वन। फिर इधर से हम लिखना शुरू करते हैं। देखिए, कभी कभी नंबर क्या रहता है, ये पांच डिजिट का रहता है, चार डिजिट का रहता है। तो नंबर जब भी हम एडिशन में लिखते हैं तो यूनिट प्लेस से लिखना शुरू करते हैं, इधर से। तो इधर से लिखना शुरू करेंगे, क्या है, वन वन जीरो वन वन। चलिए अब इसको ऐड करते हैं दोस्तों। कैसे ऐड करेंगे, देखिए मैंने बताया कि वन वन जब हम ऐड करते हैं दोस्तों तो वन वन क्या बनता है, टेन। तो टेन बनता है तो टेन का लिखते हैं जीरो, और ये टेन का जो कैरी होता है वो चला जाता है कहां पे, यहां ऊपर। तो वन वन फिर से आ गया, तो वन वन आप क्या लिखोगे, टेन। तो टेन का आप लिखोगे यहां पे जीरो, और वन जो कैरी बचा है टेन में वो कहां चला जाएगा, यहां। फिर देखिए, वन वन आपका क्या होता है, ये आपका होता है टेन, तो टेन का आप जीरो लिखेंगे और कैरी आपका चला जाएगा कहां पे, यहां पे, ठीक है। अब देखिए, अभी हम कैरी को छोड़ दे रहे हैं, पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वन वन दोस्तों क्या होता है, टेन। तो टेन का ये जीरो, यहां जीरो हो जाएगा, ये दोनों मिलके जीरो हो जाएगा, और ये आ जाएगा कैरी यहां पे, ठीक है। अब जीरो में वन ऐड करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, वन। और यहां पे देखिए, फिर से दो बार है, तो दो बार जब ये है तो आपका बनेगा टेन, यानी कि ये दोस्तों बनेगा जीरो, ठीक है। ये जब आपका जीरो बनेगा तो जीरो में जीरो, टेन का जीरो यहां पे आएगा और कैरी आपका यहां पे चला जाएगा। अब देखिए, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो नंबर आपस में उतर तो जाएगा ही, लेकिन देखिए यहां पे ये दोनों मिलके क्या बन गया, जीरो। जीरो में वन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वन। और ये आपका कैरी जो बचा था ये आ जाएगा वन, यानी कि जब बाइनरी हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन 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 जीरो जीरो जीरो, और ये आपका आ जाएगा टू, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सेकेंड पे, थर्ड पे। सात एग्जाम्पल है, उन्हें हम करते हैं। देखिए, पहले इसको लिखते हैं वन, कितना जीरो है दोस्तों, एक दो तीन। अब देखिए, वन जीरो वन है तो यहां पे लिखेंगे वन जीरो वन। अब देखिए, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी आपने पढ़ा। जीरो में वन ऐड करेंगे, जैसे आप सिंपली ऐड करते वही ऐड करना है। तो जीरो में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन। जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। वन में जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, सॉरी, वन में जीरो में वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन। और यहां पे वन है ही, तो यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, वन वन जीरो वन टू, ठीक है। चलिए थर्ड पे आते हैं, थर्ड नंबर आपका क्या है, यहां पे लिखा है वन जीरो वन जीरो, और यहां पे कितनी बार है, चार बार वन। तो यहां पे लिखे एक दो तीन चार, ठीक है। चलिए ये हो गया, और मैं कुछ आपको पेंसिल से भी करके बताऊंगा, जो भी चीजें रहेंगी उसे मैं लिख दूंगा जिससे आपको समझ में आए। तो जीरो प्लस वन क्या होता है, वन। वन वन क्या होता है दोस्तों, देखिए वन वन आपका बनता है टेन, ठीक है। मैं यहां पेंसिल से लिख दे रहा हूं, वन वन आपका बनता है टेन। तो टेन का जीरो आप कहां पे लिखेंगे, यहां पे। तो ये आपका हो जाएगा जीरो, और देखिए वन अभी बचा है ना, तो वन ये कैरी कहां जाता है, यहां पे, ठीक है। अब देखिए, जीरो वन प्लस जीरो वन आएगा। अब वन वन आपका क्या हो जाएगा जब ऐड करेंगे हम, तो ये आपका फिर से यहां पे हो जाएगा टेन, ठीक है। मैं इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। तो इस टेन का ये वाला जीरो यहां पे लिखेंगे, और जो ये वन कैरी है वो यहां पे चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वन वन हम जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है, टेन। तो टेन का ये दोनों क्या बन जाएगा, देखिए ये दोनों आपका मिलके बन जाएगा जीरो, ठीक है, टेन का। और कैरी आपका यहां पे चला जाएगा, कहां पे, ये यहां पे टेन का कैरी। अब देखिए, जीरो वन, तो वन में जीरो ऐड करेंगे दोस्तों कितना आएगा, वन। और ये वन आपका यहां पे बचा हो तो क्या लिख देंगे, वन वन जीरो जीरो वन, यानी कि इसका बाइनरी क्या आ जाएगा, वन वन जीरो जीरो वन, ठीक है, आपका आ जाएगा टू, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, वन जीरो वन जीरो। तो यहां पे लिखेंगे वन जीरो वन जीरो, कितना ऐड करना है, इलेवन। तो यहां पे लिखेंगे वन वन प्लस करेंगे। आप देखिए, जीरो में वन ऐड करेंगे दोस्तों क्या आएगा, वन।
देखिए 1 1 में 1 ऐड, देखिए 1 1 जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता है आपका कितना 10, तो 10 का 0 यहाँ पे आता है और ये कैरी यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 0 हमने लिख दिया, इसका कैरी यहाँ पे चला है। अब देखिए 1 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये 1 यहाँ पे सिंगल बचे हो तो हम लिख देंगे 1, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 1 0 1 2। इसको ऐड करते हैं 5 नंबर, कैसे लिखेंगे 1 1 2 3 बार 0 और 1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसको इधर से लिखते हैं 1 0 और 3 बार 1 है 1 2 3, फिर इसको प्लस करेंगे। देखिए 1 1 ऐड करते हैं दोस्तों तो ये क्या बनता है, आपको मैंने अभी बताया 10 बनता है, 10 का 0 हम यहाँ पे लिखते हैं और एक कैरी जो होगा ये वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 0 0 0 ही होता है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, और देखिए 0 में 0 प्लस 1 1 0 प्लस 1 1, अब देखिए 1 1 आपका क्या बनता है दोस्तों 10 बनता है, तो 10 का 0 आप यहाँ पे लिखेंगे और कैरी इधर लिखेंगे, तो ये कैरी यहाँ पे नीचे जब ऐड होगा तो क्या आ जाएगा 10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 0 1 1 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, इसे भी कर लेते हैं, खत्म हो जाइए। देखिए 3 बार 1 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 1, अब नीचे क्या है 0 0 1, अब इसको ऐड करेंगे कैसे, 1 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 1, 1 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 1, और 1 1 कितना होता है दोस्तों 10। अब इसके आगे देखिए 10 का आप 0 लिखेंगे और एक कैरी यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 11, यानी कि इसका नंबर हो जाएगा 10 11 2। इसको सॉल्व कर लेते 7 नंबर 1 1 0 0, ठीक है। अब इसको नीचे हम लिखते हैं क्या 1 2 3, और यहाँ पे हम लिखते हैं 0 1 लिखते हैं, प्लस करते हैं इसको क्या आएगा, देखिए 0 में 0 ऐड करते हैं 0, 0 में 0 ऐड करते हैं 0, 1 में 0 ऐड करते हैं 1, और 1 1 जब 2 बार ऐड करते हैं तो ये बनता है 10, तो 10 का लिखते हैं हम 0 और कैरी आ जाता है यहाँ पे, और ये कैरी यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो उतर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 1 0 10 1 0। तो दोस्त ये हो गया, शॉर्ट ट्रिक से हमने पढ़ लिया कैसे इसको सॉल्व करते हैं क्या करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली वीडियो देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुधीर ट्यूटोरियल।